छह गुणस्थानों की चर्चा हो चुकी है अपनी। सातवां गुणस्थान अप्रमत्त, पूरा नाम क्या है इसका? अप्रमत्त विरत और भी जुड़ता है ना कुछ, अप्रमत्त विरत छद्मस्त कुछ ऐसा जुड़ता है ना पूरा नाम, ऊपर जुड़ेगा। यद्यपि छठा सातवां गुणस्थान झूलने वाला, पुनः पुनः छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं, लेकिन जितना क्रियात्मक रूप है वो छठे गुणस्थान का है। 28 मूल गुणों की जो चर्चा की गई उसका परिपालन क्रियात्मक रूप में छठे गुणस्थान में ही होता है, इसलिए छठवें गुणस्थान का वर्णन विस्तार से किया। सातवें में प्रवृत्ति कुछ है ही नहीं, माने बाहर की क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए बहुत संक्षेप में वर्णन किया। बाकी और जो विशेषताएं होती है वो सब कर्णानियोग में विस्तार से वर्णन की जाती हैं। 93 छंद में पहले वर्णन लेते हैं, बोलिए। अवर्णो सप्तम विश्राम अपरमत्त गुण थानक नाम, जहाँ प्रमाद दशा विधि नासे, धर्म ध्यान फिरता पर कासे। सात्विक गुणस्थान का वर्णन करते हैं विश्रामा। ये विश्रामा माने विश्राम कह रहे हैं, और विश्राम स्थिरता है, छठे में स्थिरता नहीं है, परिणामों की चंचलता है, यहाँ विश्रामा कहकर के स्थिरता कह रहे हैं। वह अप्रमत्त नामक गुणस्थान है, जहाँ प्रमाद दशा विधि नाशे, प्रमाद की दशा का अभाव करता है, प्रमत्तपने का अभाव करता है, और धर्म ध्यान स्थिरता प्रकाश, धर्म ध्यान की स्थिरता होती है। छठे गुणस्थान में धर्म ध्यान नहीं है क्या? छठवे में धर्म ध्यान नहीं है क्या? मोटे तौर पर कहा जाता है कि मुनिराज की तो अवस्था ध्यान स्वरूप ही है, वे धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं है तब तक ध्यान नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ सातवें गुणस्थान में स्थिरता है तब ध्यान है, इसलिए वो धर्म ध्यान की स्थिरता प्रकाशित। तो प्रमाद नष्ट हो चुका है और स्वरूप में स्थिर हुए हैं, तो प्रमाद नष्ट हुआ इसलिए अप्रमत्त है, बाकी विरत तो पहले से चला ही आ रहा है। प्रमाद के कारण से चंचलता होती है, अस्थिरता हो जाती है, इसलिए छठे गुणस्थान में आते हैं, और पुनः सातवें में स्थिरता पूर्वक आते हैं तो धर्म ध्यान की एकाग्रता वहाँ हो जाती है, धर्म ध्यान स्थिरता प्रकाश है। अब इसके जो सातवें गुणस्थान की दो स्थितियाँ होती हैं, एक स्वस्थान और दूसरा सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त तो वह है जो नियम से छठे में आता ही है, छठे में आएगा वह स्वस्थान अप्रमत्त है, और जहाँ से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करेगा वह सातिशय अप्रमत्त कहलाएगा। वो उसी की बात अगले छंद में कर रहे हैं, बोलिए। पहले छंद में तो कह दिया कि प्रमाद का अभाव करके धर्म ध्यान में स्थिर हुए हैं, वह अप्रमत्त है, और अब इस छंद में कह रहे हैं कि प्रथम करण चारित्र को जासु अंत पद हुई। जासु अंत पद, जिसके अंतिम चरण में चारित्र
कि जो तीन करण होते हैं चारित्र मोह के अभाव के लिए, जो तीन करण होते हैं उसका प्रथम करण, तीन करण में से, इसलिए सुबह अपन ने पहले पढ़ लिए करण संबंधी चर्चा, तीन में से प्रथम करण कौन सा है, अधक करण। तो अधक करण, प्रथम करण व अधक करण चारित्र का, चारित्र मोह के अभाव के लिए किया जाने वाला ऐसा वह प्रथम करण अधक करण, वह जासु अंत पद हुई, जिसके अंतिम पद में अंतिम चरण में होता है। और जब, और क्या विशेषता उसकी, जहाँ आहार विहार नहीं, अब आहार विहार नहीं होगा, साथी से प्रमत्त की दशा आ गई, आहार विहार नहीं होगा, अप्रमत्त है सोई, वो सातिशय अप्रमत्त वाला है। सामान्य अप्रमत्त में है तो आहार विहार भी चलता रहेगा, और प्रमत्त अप्रमत्त में भी झूलते रहेंगे, लेकिन श्रेणी चढ़ने वाले हैं तो उस समय फिर आहार विहार भी नहीं होगा, ऐसी स्थिरता पूर्वक बैठेंगे तब सातिशय अप्रमत्त की दशा आएगी। अर्थ और विशेष जो दिया नीचे उसे पढ़ते हैं। जिस गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोह के उपशम व क्षय का कारण अधः प्रवृत्तिकरण चारित्र रहता है और आहार विहार नहीं रहता, वह अप्रमत्त गुणस्थान है। विशेष सात्विक गुणस्थान के दो भेद हैं, पहला स्वस्थान और दूसरा सातिशय। सो जब तक छठे से सातवें और सातवें से छठे में अनेक बार चढ़ना पढ़ना रहता है, चढ़ना पढ़ना, पढ़ना माने नीचे गिरना, नीचे उतरना होता है, अर्थात छठे में आते हैं, तब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है। मैंने पहले छठे सातवें की चर्चा करते हुए एक दो बार शायद ये कहा कि असंख्यात बार छठे सातवें में होकर के फिर सातिशय अप्रमत्त की दशा बनती है, तो अनेक बार हैं, हजारों बार तो कह सकते हो, असंख्यात नहीं है, अनेक बार, इसलिए अनेक बार शब्द का प्रयोग किया, असंख्यात बार नहीं, अनेकों बार, इसलिए अनेकों बार छठे सातवें में आकर के चढ़ना पड़ना रहता है। और ये तो चल रहा है तो कहलाएगा स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान है। सातिशय गुणस्थान में अधक करण के परिणाम रहते हैं, वहाँ आहार विहार नहीं है, वही स्थिरता की वृद्धि होकर के अब श्रेणी चढ़ने की विशेषता हो रही है, तो वही सातिशय अप्रमत्त कहलाए, उन्हें सात्वे की ही स्थिति ऐसी है दो प्रकार से, क्योंकि तीन करण में से एक करण वही सात्वे में ही हो रहा है, इसलिए वो विशेष प्रकार से लिया उसे। नीचे ब्रैकेट में एक विशेष दिया हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं, इसी से संबंधित है, इसलिए अध प्रवृत्त करण संबंधी अंतर्मूर्त काल पूर्ण कर प्रति समय अनंत गुणी शुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। इसमें अनुकृष्टि रचना नहीं होती, अनुकृष्टि और जो करणानुयोग से संबंधित है विशेष उसे समझ लेना, ये वैसे आगे के गुणस्थान से संबंधित है अपूर्व करण के लिए। बोलिए आठवें गुणस्थान का वर्णन 95 नंबर का छंद, बोलिए। अब आठवें गुणस्थान का वर्णन करते हैं, जिसका नाम क्या है, अपूर्व करण बखाना। क्या विशेषता उसकी, कछुक मोह उपशम करी राखे अथवा किंचित क्षय करी नाखे। चूंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं वो उपशम करते हुए जाएंगे, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले क्षय करते हुए जाएंगे, लेकिन यहाँ तत्काल सबका उपशम होने वाला नहीं है, क्षय भी नहीं होने वाला, उपशम करने वालों के कुछ का उपशम यहाँ हो जाएगा, जिसको ध्यान व गुणस्थान की परिपाटी से किसका हो जाएगा आठवें में, किस किस का उपशम हो जाएगा,
संज्वलन से संबंधित क्रोध मान माया लोभ क्रम से जा रहे हैं ना, उस दृष्टि से या किन किन का उपशम हो रहा है, क्योंकि सब कई उपशम हो जाता तो ग्यारहवा ही हो जाता ना, इसलिए कुछ का कह रहे कछुक मोह उपशम करी राखे और अथवा किंचित क्षय करी नाके। उपशम और किंचित क्षय दोनों लिखा इसलिए नीचे फुटनोट में दिया है, उपशम श्रेणी में मोह का उपशम और क्षपक श्रेणी में क्षय होता है, मोह का क्षय या उपशम होता रहता है इसमें। उपशम हो रहा हो तो उपशम श्रेणी है, क्षय हो रहा हो तो क्षपक श्रेणी है। एक तो नाम बता दिया अकेला, और कुछ का उपशम कुछ का क्षय होता है ये बता दिया, लेकिन स्वरूप कोई स्पष्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण अगले छंद में करते हैं। बोलिए तो अपूर्व की दृष्टि से शब्दों के अनुसार ही स्वरूप बताने का प्रयास किया, जो अपूर्व हो रहे ना अपूर्व, जे परिणाम भय नहीं कब ही तिनको उदय देखिए जब ही, माने ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए इसलिए अपूर्व कह रहे ना, उनका उदय जब होता है देखा जाता है तब अष्टम गुण थानक होई। वैसे तो सातवें गुण स्थान में चूंकि छठे सातवें बारंबार झूल रहा है इसलिए अनेकों बार उस प्रकार का परिणाम हुआ, लेकिन ये आठवां गुणस्थान वाला परिणाम उसका इससे पूर्व नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व परिणाम इस दृष्टि से भी उसे ले सकते हैं। और दूसरा जो वहाँ अपूर्वकरण की दृष्टि से आगे आगे के समयवर्ती के परिणाम पूर्ववर्ती परिणामों से अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, मेल नहीं खाते हैं, समान नहीं होते हैं, अनंत विशुद्धि लिए हुए ही रहते हैं, उस दृष्टि से जो अपूर्वपना कहा है उस अपेक्षा से भी इसे समझ लेना। चरित करण दूसरो सोई, ये तब आठवां गुणस्थान होता है और चारित्र संबंधी ये दूसरा करण है, पहला अधक करण हो गया था और ये दूसरा अपूर्व करण है। यहाँ भी नीचे वैसे आगे आगे का पहले वर्णन करते जा रहे हैं, नीचे अपूर्वकरण का पीछे लिखा था, अपूर्वकरण के संबंध में ये प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त हुए परिणामों को अपूर्वकरण, प्रति समय अनंत गुणी, इसलिए आगे आगे जितने बढ़ते जाएंगे वो पीछे वाले उसकी बराबरी कर ही नहीं पाएंगे, इस कारण से अपूर्व अपूर्व है। अब यहां दिया नीचे फुटनोट में वो आगे अनिवृत्तिकरण से संबंधित से पढ़ लेते हैं उसे। अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म वन को दग्ध करने में समर्थ, प्रत्येक समय में एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। भाई इतनी उग्रता आ चुकी है कि अब बहुत शीघ्र ही समस्त कर्मों का अभाव करके चारित्र की पूर्ण निर्मल दशा यथाख्यात चारित्र प्रकट होने वाला, इसलिए कहा अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्म वन को दग्ध करने में समर्थ, और इसके स्वरूप के लिए लिखा कि प्रत्येक समय में एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणाम। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इस करण में आए हुए जीवों के सबके परिणाम समान हैं, पहले समय में हैं तो सबके एक से, दूसरे समय में तो जितने बढ़े हैं उतने सबके, इसलिए एक समान बढ़ते ही जाएंगे उतने उतने, कम अधिक नहीं होंगे, इसलिए एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत उतनी वृद्धि होती ही जाएगी, इसलिए वो अनिवृत्तिकरण कहा उसे। तो यह छंद में क्या लिखते हैं, 97 नंबर का छंद, नवे गुणस्थान का वर्णन, बोलिए। जो उसी अपेक्षा से जो अंतर पड़ता है
नीचे नीचे उसी पिछले में से शुरुआत की, किसी के कम विशुद्धि वाले उससे दूसरे वाले की, कोई अधिक विशुद्धि वाले हैं, ऐसा जो अंतर है, अब यहाँ अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अब अनिवृत्ति करण सुनो भाई, जहाँ भाव स्थिरता अधिक आई, ये अधिक स्थिरता, सबकी स्थिरता इतनी हो गई है कि सबके परिणाम इस गुणस्थान या करण में आने पर एक से हो जाते हैं, इसलिए स्थिरता अधिक हुई है। पूर्व भाव चलाचल देते, जितने चंचल भाव हो रहे थे वे तो वैसे सातवें से ही स्थिर हुए हैं, लेकिन अधिक दृढ़ता की स्थिरता की अपेक्षा और स्थिर हुए हैं। पूरब जे भाव चलाचल जेते, सहज अडोल भय सब तेते, सब बिल्कुल अडोल हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं, स्थिरता की विशेष वृद्धि हुई है, जिस कारण से अनंत गुणी विशुद्धि बराबर निरंतर बढ़ती जा रही है। बोलिए अगला छंद बोलिए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? जहान भाव उलटी अध आवे, जहाँ से लौट करके नीचे नहीं आता, नहीं आता है उपशम श्रेणी वाला वो तो, लेकिन उपशम वाला होगा तो अभी आठवां नवां दसवां करते करते ग्यारहवें तक जाए गए हैं, ग्यारहवें में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ से मरण हो जाए तो नीचे आ सकता है, होता है कि नहीं? अनिवृत्ति में आठवें में नवे नवे गुणस्थान में कहाँ कहाँ होता है? चढ़ना प्रारंभ करने के बाद माने मरण की अपेक्षा से, क्योंकि एक समय वाला काल भी आगे लिख रहे हैं, जघन्य काल एक समय लिख रहे हैं और मरण की अपेक्षा से ही है। चढ़ते समय भी है तो फिर वो मैंने यहाँ से उलट कर नहीं आते ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक विवक्षा समझने की है, मैंने यहाँ से लौट कर नहीं आते हैं ऐसा कह रहे हैं। जहाँ चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते वह नवा गुणस्थान कहलाता है। हाँ तो हाँ नहीं होता तो आठवें के छठे भाग तक नहीं होगा, नहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उसका भी एक समय लिखा है, आठवें का भी एक समय लिखा है, अल्प से अल्प एक समय मरण की अपेक्षा एक समय लिखा। देख रहे ये इस विवक्षा को थोड़ा समझना, माने जहाँ न भाव उलटी अध आवे सो नवमो गुणथान कहावे। चारित मोह जहाँ बहु छीजा, यहाँ चारित्र मोह क्या हुआ? बहुत क्षय को प्राप्त हुआ, नष्ट हो गया बहुत कुछ, कितना कितना रह गया है, सूक्ष्म लोभ को छोड़कर बाकी सब चारित्र मोह नष्ट हो चुका है। इसका मतलब क्रोध मान माया ये तीन तो गए ही गए, लोभ भी सिर्फ सूक्ष्म रह गया, इतना चला गया, इसलिए चारित्र मोह जहाँ बहुत चीजा सो है चरण करण पद तीजा, और ये करण लब्धि का तीसरा चरण है, तीसरे चरण अनिवृत्ति करण। जहाँ चढ़े हुए परिणाम फिर नहीं गिरते वो नवा गुणस्थान कहलाता है। इस नवे गुणस्थान में चारित्र मोहनी का बहु अंश नष्ट हो जाता है, यह चारित्र का तीसरा करण है। चलिए दसवा, बहुत संक्षेप में पूर्ण कर रहे हैं, विस्तार नहीं दे रहे हैं इनमें। बोलिए बीच बीच में याद दिलाते जा रहे हैं कि ये सभी दो शाखाएं चल रही हैं, दुशाखा नवे में उल्लेख नहीं किया, आठवें में भी था, कछुक मोह उपशम करी
अथवा किंचित क्षय करी नाखे, इस दोनों का उल्लेख था। लेकिन नवे में ऐसा नहीं दिखता है कि उपशम के लिए कोई अलग से उल्लेख किया हो। छीजा शब्द से तो क्षय की तरफ संकेत लगता है, लेकिन उसी में से दोनों तात्पर्य निकालने पड़ेंगे। यानी छीजा में या तो उपशम हुआ है या क्षय हुआ है, इसी अपेक्षा से दोनों विवक्षा लगानी पड़ेगी। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कहो दसम गुणस्थान दुशाखा, दसवां गुणस्थान कहते हैं, इसकी भी दो शाखाएं हैं, तो दोनों ही माने उपशम और क्षपक वाली दोनों स्थितियां हैं। जहाँ सूक्ष्म शिव की अभिलाखा, सूक्ष्म लोभ है ना, क्या लोभ रहेगा, किसकी इच्छा रहेगी, ये इसलिए करें कि शिव की अभिलाषा, बस मुक्ति प्राप्त करना है, वो मुक्ति संबंधी बस सूक्ष्म अभिलाषा रह गई है, वो भी अव्यक्त ही है, व्यक्त रूप से नहीं है, वैसे भी अबुद्धिपूर्वक राग है, बुद्धिपूर्वक राग तो है ही नहीं, तो अबुद्धिपूर्वक राग में भी क्या होगा, किस तरह का लोभ, लोभ है तो कैसा लोभ, क्या विषय क्या होगा उसका, मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि शिव की अभिलाषा। जबकि हम कहते हैं मुमुक्षु अच्छा कि आत्मार्थी अच्छा, और न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष नहीं होता। यहाँ कह रहे कि दसवें गुणस्थान वाले मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो करते हैं वाली बात नहीं है, है वहाँ पर कुछ लोभ बाकी है, राग बाकी है, तो उसका विषय क्या होगा, इसलिए कह रहे कि शिव की अभिलाषा, मुक्ति के अलावा और क्या, किस चीज़ की अभिलाषा होगी। सूक्ष्म लोभ जहाँ दशा जहाँ लहिए, सूक्ष्म सांपराय सो कहिए, अब लोभ इतना सूक्ष्म रह गया है, उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे यहाँ कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म सांपराय, सांपराय शब्द किसके लिए आता है, कषाय, इसलिए वो सांप्रायिक आश्रव वीरियापत आश्रव कहलाता है, तो कषाय संबंधी सांप्रायिक, बिना कषाय के हो रहा है वीरियापत आश्रव है, तो अत्यंत सूक्ष्म कषाय रहेगी, इसलिए इसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, सूक्ष्म सांप्राय, तो इसको यहाँ भी वीतराग कह दिया क्या, अभी नहीं, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय वाला राग बाकी है ना, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त है ना, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, इस अपेक्षा से छद्मस्त है। पर दसवें गुणस्थान का इतना ही वर्णन किया, ग्यारहवें का भी बहुत संक्षेप में वर्णन है, बोलिए ग्यारहवां गुणस्थान। उपशांत मोह नाम का गुणस्थान, तासु प्रभुता परवाना, उसकी क्या प्रभुता है, उसकी भी प्रभुता है, उसका भी सामर्थ्य, और उसके सामर्थ्य का प्रमाण कैसा, कहो जहाँ मोह उपशमे न भासे, उसका प्रभाव ऐसा है कि मोह पूरी तरह से उपशमित हो जाता है, और इतना उपशमित हो जाता है बिल्कुल भी भासित नहीं होता, किंचित मात्र भी मोह का उदय नहीं है, जब निमित्त रूप में उदय नहीं है इसलिए भाव रूप से भी किंचित मात्र भी मोह नहीं रहता, इसलिए क्या दशा हो जाती है, यथाख्यात चारित्र परगासे, यथाख्यात चारित्र प्रकाशित होता है, यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, पूर्ण चारित्र की दशा पूर्ण होती है। क्या विचित्रता है, पूर्ण निर्मलता हुई तो अनंत सुख होना चाहिए ना, मोह पूरी तरह चला गया है तो अनंत सुख होना चाहिए, पूर्ण निराकुल सुख है लेकिन अनंत नाम नहीं दिया, पूर्ण नाम नहीं दिया अभी भी, सिर्फ सत्ता की अपेक्षा से सत्ता है इतनी बात, और बाकी तीन कर्मों का भी क्षय नहीं हुआ, घाती कर्मों का, पर इस वजह से भी अनंतता नहीं मिली, लेकिन दुखदायक कौन था, दुख का कारण मोह था, मोह पूरी तरह से उपशमित हुआ ना, उदय किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए यथाख्यात चारित्र हो गया, अत्यंत निर्मल,
बारहवीं गुणस्थान में जो यथाख्यात चारित्र है और यहां जो यथाख्यात चारित्र है, भावों की अपेक्षा से क्या अंतर है? भावों की दृष्टि से जैसे सम्यक्त्व में भी औपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व भावों की अपेक्षा से देखे क्या अंतर है? औपशमिक भी पूर्ण निर्मल है, क्षायिक भी पूर्ण निर्मल है। भावों को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया जाता है, कीचड़ मिला हुआ पानी, वह उदय भाव है। कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठने लगा है, थोड़ा बैठा थोड़ा गंदा रह गया, वो क्षोपशम भाव है, मिश्र भाव है। अब कीचड़ पूरी तरह से नीचे बैठ गया और ऊपर एक कण भी कीचड़ का नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी हो गया है। अब वो पानी और उसी पानी को वहाँ तो दृष्टांत के रूप में ही लेते हैं, ऐसा धीरे से दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल लिया कि कीचड़ का एक कण भी उसमें नहीं गया। अब वो दूसरे बर्तन वाला वो क्षायिक है। जल की स्वच्छता की दृष्टि से दोनों में कहाँ अंतर है? नीचे मैल बैठा है कि नीचे मैल नहीं है, ये अलग बात है। ये स्वच्छता दोनों की बिल्कुल एक सी है। ऐसे यहाँ औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र, क्षीण मोह, मोहन का उदय रंच मात्र भी नहीं है, इसलिए परिणाम की दृष्टि से पूर्ण निराकुलता, इसलिए यथाख्यात चारित्र कहा। लेकिन अनंत सुख नाम अभी नहीं मिला, अनंत सुख तो तीन और अभाव होने के बाद ही मिलेगा। क्या क्या कमी रह जाती है और बारीकी से इस पर विचार करना, आगम से भी देखना इसे। अब ग्यारहवीं गुणस्थान उपशांत मोह की सामर्थ्य कहता हूं, या मोह का सर्वथा उपशम है, बिल्कुल उदय नहीं दिखता, और जीव का औपशमिक यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। यथाख्यात चारित्र प्रगा से चूंकि औपशमिक है, इसलिए औपशमिक यथाख्यात चारित्र कहा गया इसे। इस संदर्भ में विशेष बात जो है ग्यारहवीं गुणस्थान की विशेषता, अब इसको विशेषता कहे कि कमजोरी कहे, क्या कहे इसे, पढ़िए 101 नंबर का छंद। जाई फरस के जीव गिर, जिसका स्पर्श करके जीव गिरता है, तो स्पर्श करके तो नहीं कि तत्काल के तत्काल, अंतर्मुहूर्त उसका अपना पूर्ण काल करके, कोई अन्य निमित्त नहीं मिले तो फिर क्यों गिरता है? तो काल कालक्षय माने कौन सा कालक्षय? वह उस गुणस्थान का काल पूरा हो गया, काल पूरा हो गया बस, इसलिए जाना ही है। आगे आगे गुणस्थान में जाओ, अब आगे गुणस्थान जाने की उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए नीचे गिरता ही है। गिर परे जाई फरस के जीव गिर परे, गिर पड़ता है, करे गुण रद्द, जो गुण वहां प्रकट हुए थे उनको रद्द कर देता है, सब कैंसल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हुआ? कौन सा गुण नष्ट हो गया? वो यथाख्यात चारित्र नहीं रहा। मोह का उदय क्रम से प्रारंभ आना शुरू हो गया, फिर जहाँ आकर के रुकेगा वहाँ तक के ऊपर ऊपर के सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। सो एकादशमी दशा उपशम की सरहद, वह ग्यारहवीं प्रतिमा, सॉरी ग्यारहवीं ग्यारहवा गुणस्थान है। एकादशम की दशा वह ग्यारहवें गुणस्थान की दशा है और उपशम की सरहद, बस यहीं तक उपशम की सीमा है, उपशम इससे आगे नहीं बढ़ सकता। उपशम होकर के आगे बढ़ जाए यानी भाई ये ग्यारहवें गुणस्थान तक ही ले जा सकता है। इसका अर्थ जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी इनका क्षय करने का सामर्थ्य इस उपशम में नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। वो मोह का उपशम तो हो गया लेकिन बस यहीं तक उसकी सीमा, इसलिए सरहद उपशम की सरहद, उपशम की सीमा बस यहीं तक है। जो नियम से यहाँ से जीव गिरता है, क्या मतलब क्या स्थिति होती होगी मुनिराज की, स्थिति कैसी होती होगी? उपशम श्रेणी चढ़ करके इतनी उच्चता में पहुंच गए, यथाख्यात चारित्र, बिल्कुल पूर्ण निर्मलता,
और उसके बाद फिर से बिल्कुल पूरे मिथ्यात्व तक भी चले जाते हैं। छठे सातवें गुणस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग आपने सुना होगा। सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आना मुनिराज को कैसा लगता है, जैसा कोई बिल्कुल ठंडक में बैठा हुआ हो और एकदम से गर्मी में आ जाए, भट्टी में आ गया हो, ऐसा लगता है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि वह निराकुल अतीन्द्रिय आनंद स्वसन्मुख शुद्धोपयोग की दशा है और वहाँ से नीचे शुभोपयोग, ये तो स्वसन्मुखता आत्मस्थिरता की महिमा बताने की बात है। ऐसा इतना अंतर नहीं होता है क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, व्यक्त वीतरागता छठे में है, इसलिए ऐसी आकुलता अनंतानुबंधी वाले को जैसी होती है ऐसी किसी भी किसी भी तरह संभव नहीं है। बस वो सातवें के शुद्धोपयोग की महिमा बताने के लिए इन शब्दों का भले ही प्रयोग करें हम, लेकिन फिर भी ये कहते ही है ना कि सातवें से छठवें में आना वो पसंद नहीं है, फिर आत्मस्थिरता शुद्धोपयोग में रहना चाहते हैं और उसकी वृद्धि से इतनी ऊपरी दशा में, इतनी निर्मलता में, यथाख्यात चारित्र की दशा में पहुँच गए और फिर से वहाँ से नीचे आना पड़े, छठे सातवें में आ जाए तो भी ठीक है कि भाई कोई बात नहीं है, अब कम से कम जहाँ तक अधिकतम रहा जा सकता है वहीं तो रुक गए, लेकिन उससे भी नीचे आए, पहले गुणस्थान में पहुँच जाए तो फिर तो वही अंतानुबंधी वाली आकुलता फिर शुरू हो जाती है। तो वो क्या स्थिति बनती होगी, क्या हीनता होती होगी, इस तरह से हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्कुल करोड़पति, अब करोड़पति तो आजकल क्या रह गया है, अरबपति, बहुत कुछ है, सब तरह का ठाट बाट, और एक क्षण में कुछ ऐसा हो जाए वो सब चला जाए और बिल्कुल रोड़पति हो जाए, कुछ नहीं बचे, अब वो क्या क्या सोचता होगा, अभी कल ऐसा था और अभी ऐसा। हाँ, भुज में जैसा आया ना, भुज में बड़े बड़े अरबपति भी थे और एकदम से भूकंप आया और सब ध्वस्त हो गया, तो वे बिल्कुल कोई नहीं बचा, अकेले रह गए हैं। अब जो उनके लिए वो चलाए जाते थे ना, भोजन देते थे, पैकेट बांटते थे, उस लाइन में खड़े होकर के ले रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो जो सहायता पहुंच रही है उसमें से अपने योग कपड़े छांट करके ले रहे हैं, क्या परिणाम माने भाव कैसे हो रहे होंगे, कहाँ एक तरफ इतनी सब संपत्ति थी और अब ये स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति में आए, ऐसे समझ लो ना भावों की दृष्टि से ये भी अरब पति ऐसे पहुंच गए ना वहां तक ऐसी स्थिति में और फिर एकदम से नीचे आ गए, क्या स्थिति होगी। लेकिन परिणामों की विचित्रता है, टोडरमल जी ने लिखा ना यही सातवें अधिकार के अंत में, देखो परिणामों की विचित्रता, कोई जीव ग्यारहवें गुणस्थान तक चढ़ करके फिर वहाँ से गिर करके मिथ्यात्व में आकर के किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है, किंचित ऊन अर्ध काल, वो छंद उसमें भजन में भी गाया ना, मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ कर ही और वहाँ से गिर करके भ्रमत अर्ध पुद्गल परमाण मैंने अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित ऊन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में पुनः परिभ्रमण करते हैं, ऐसी दशा हो सकती है, होती है। रुद्र कहलाते इसलिए, हाँ इतना परिभ्रमण करेगा। चलिए अब ये बारवा तेरहवें गुणस्थान में थोड़ी विस्तार से चर्चा है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, मेरे ख्याल से कल इसकी चर्चा, कल मने अगले कल सायंकाल इसी समय कल ये चर्चा मेरे ख्याल से पूरी हो जाएगी।